मंदिर में जला हुआ मिला पुजारी का शव। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पेलखोवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देहपा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर में पुजारी का शव उन्हीं के खाट पर संदिग्ध अवस्था में जली हालत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। आपको बता दें कि पेलखोवा कोतवाली क्षेत्र के देहपा गांव में प्राचीन व सिद्धपीठ शिव मंदिर है, जिस पर करीब 40 वर्षों से महंत छोटू नाथ जी महाराज पुजारी के रूप में मंदिर में सेवा करते थे। आज देर शाम मंदिर में ही बने उनके आवास में खाट पर ही उनका जला हुआ शव मिला, जहां गांव के लोग दबी जुबान में मंदिर के महंत के साथ किसी अनहोनी की घटना को बता रहे हैं, तो साथ ही पुलिस प्रथम दृष्टया इस घटना को गैस लीक से हुई घटना बता रही है। हालांकि मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया है, जहां फॉरेंसिक टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने मंदिर के महंत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर 40 वर्षों से मंदिर में अपनी सेवा देने वाले महंत की हत्या हुई है या फिर गैस रिसाव के कारण ही हुई दुर्घटना में उनकी जान गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र त्यागी है। यहाँ देहपे का मंदिर है, क्या पूरा मामला हुआ है? कोई शिव मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे लगभग 40 साल से हमारे जो महंत थे छोटू नाथ जी महाराज, ये 40 साल से इसी मंदिर की सेवा कर रहे थे और आज अचानक पता नहीं चला कि एक खाट चारपाई पड़ी हुई है, उसमें ये नहीं पता चला कि कहाँ से कैसे आग लग गई। ये सिर्फ संदिग्ध क्या हुआ कैसे हुआ तो प्रभु को पता या भोलेनाथ को पता। तो आग लगने से पुजारी जी की मौत हो गई है? मौत हो गई। लगभग 40 साल से इसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, 40-41 साल तक। छोटू नाथ जी महाराज है, उत्तराखंड के रहने वाले थे गैरसैंण के, और 40 साल 41 साल से इसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं।